Rakistan, a bunch of musical notes scribbled in the desert, and a nomad in search of music, following the rustic sounds of Thar. Six folk artists, 6 days, and endless vibes. Rakistan, Desert Diaries. कहते हैं the world is a global village now. Everything is just a click away. Internet और social media की दुनिया में कोई search bar पर ये ढूंढता है तो कोई कुछ और. पर हम राजस्थान के इस सफर में search bar से बाहर निकल कर आए हैं. जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के इस बारना गांव में जहां कुछ 100 लोग रहते हैं, वहां कुछ ऐसा है जिसे दुनिया भर के लोग इंटरनेट पर खोजते हैं और उनके कई फॉलोअर्स हैं। ये राजस्थानी फोक म्यूजिक के दो यंग और एनर्जेटिक पावर हाउस हैं, जिन्होंने बड़ी कम उम्र में पूरी इंडिया में अपना नाम कमाया है। द बॉलीवुड म्यूजिक रूल्ड द चार्ट बस्टर्स। चलिए लेट्स मीट नन अदर देन सरताज खान एंड सरवर खान, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बॉलीवुड सॉन्ग हानिकारक बापू। इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो इतने क्यूट हो दोनों यार, इतने यंग हो, इतने टैलेंटेड हो, इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है। कब से शुरुआत की इसे? गाइस खमंगनी, मैं हूँ सरताज खान और ये है मेरे भाई सरवर खान। तो बताएंगे आपको हम कि हमारी बचपन की जर्नी कैसी रही आज तक की। बचपन में इसका गांव डांगरी है और मेरा गांव बरना है। मैंने बचपन से मेरे पापा जी से सीखा और हमारे गांव में हमारा इंस्टीट्यूट है, पहचान फोक म्यूजिक इंस्टीट्यूट बरना, उधर से हमने म्यूजिक सीखा है। और सरवर आप बता दो। मैं ढांगरी गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने ननियाल में ज़्यादा रहता था बचपन से, तो मैं अपने नाना जी उस्ताद हसन खान से और मेरे बड़े फादर उस्ताद कुतुबद्दीन खान साहब से मैं सीखा हूँ। जब शुरुआत करी होगी सफर के, जब छोटे छोटे थे दोनों और छोटे छोटे थे, तो कोई परेशानी या डिफिकल्टी कभी ऐसा लगा कि यार क्यों सीख रहे हैं म्यूजिक, यू नो, क्योंकि आपके तो पिताजी ही आपके उस्ताद हैं, आपको सिखाए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि यार नहीं करना है मुझे, कुछ और करना है जिंदगी? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम बचपन से हमारे ऊपर दबाव नहीं था कि आप म्यूजिक ही सीखो, म्यूजिक ही सीखो, क्योंकि म्यूजिक हमारा पैशन है। हमारे हर एक नस नस में हमारा म्यूजिक बसा हुआ है। अगर हमारे समाज में आप देखो ना, बच्चा अगर जन्मता है तो वो राग में रोएगा, अगर वो बच्चा ही चलेगा तो वो ताल में चलेगा, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है फादर टू सन और मदर टू डॉटर है। ये हमारा म्यूजिक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जो आप 50 साल पहले भी जाके देखोगे तो ये म्यूजिक था, और 50 साल बाद जाके भी देखोगे तो भी यही म्यूजिक है। तो सर, कभी आपका मन किया कि म्यूजिक के अलावा कुछ और लाइन चुनता हूँ मैं? हाँ, एक्चुअली मेरा बचपन से सपना किसी और, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए था। मैं बोला कि हाँ मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब। फिर मैं अपने ननिहाल गया तो मैं अपने नाना जी के साथ, तो एक्चुअली नाना जी मेरे मतलब कमायचा आबा जाते हैं और मतलब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो उन लोग मुझे मतलब सिखाने के लिए बहुत टॉर्चर करते थे। तो मैं बोलता नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं अपने स्कूल जाऊंगा, पढ़ूंगा। और ये फिर भी मैं एक्चुअली पढ़ाई तो मैं संगीत के साथ भी कर रहा हूँ,
बट उन्होंने बहुत मुझे टॉर्चर करके एंड एक्चुअली हमारी कम्युनिटी यू नो दैट एक टेम्पल्स में गाना गाते हैं, तो मैं उनके साथ कहीं टेम्पल में जाता था गाने के लिए, तो उनके साथ धीरे 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 करके उन्होंने बहुत टॉर्चर करके मुझे सिखाया। तो ये जो स्टेज है राजस्थानी म्यूजिक का, ये भी बदलता जा रहा है, एकदम राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अब तो रैपिंग स्टाइल भी आ गया है राजस्थानी म्यूजिक में। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो राजस्थानी म्यूजिक के साथ नए स्टाइल में, या आप चाहते हो कि मैं इसको ट्रेडिशनली फोक ही रखूं? हाँ, हमारा जो राजस्थानी जो म्यूजिक है वो पूरा लुप्त होता जा रहा है, और वो म्यूजिक नहीं है, अब उसको पूरा फ्यूजन में बदला गया है। तो उस गा हमारे जो पुराने गाने हैं उनको हम डेडिकेट करेंगे, उनका उन गानों का हम उन गानों का नया वर्जन बनाएंगे। हमारा जो राजस्थानी सॉन्ग है वो पूरा पब्लिक में लेके आएंगे कि ये हमारे गाने हैं, वो ये जो गाने हैं हमारे पूरे चले जा रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो राजस्थानी फोक म्यूजिक है उसको हम जिंदा रखें और हमारा जो परंपरा है उसको जिंदा रखेंगे, मिक्स करके थोड़ा सा मॉडर्न। मिक्स तो ये मॉडर्न जिंदगी में सोशल मीडिया जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। हाँ। कितना कनेक्टेड रहते हो तुम दोनों अपने फैंस से, बात करते हो अकाउंट? अभी तो हम लोगों ने जस्ट अभी मतलब सोशल मीडिया का हम लोगों को इतना मतलब था नहीं, जिस टाइम हम लोगों ने गाया तब सोशल मीडिया पे बहुत था हम लोगों का कि लोग हमें जानते थे, तब हम उस टाइम बच्चे थे एंड हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे कि सोशल मीडिया पे काम करें। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जस्ट फॉलोवर कम ही है बट स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हमें बहुत मतलब फ़ायदा हो रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक एनी यूट्यूब से। तो बात करते हैं आप अपने फैंस से उसके? हाँ। कभी कभी किसी फैन ने बोला है कुछ गा के सुना दो यार एक? हाँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी उनमें से एक फैन हूँ और मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए एक 400 साल पुराना पेड़ है जहाँ पर हम चल रहे हैं, जहाँ की परफॉर्मेंस होगी। और कमाल है कि मतलब इतने छोटे छोटे यंग बच्चे 400 साल पुराने पेड़ के साथ परफॉर्म करेंगे, आई जस्ट कांट वेट। तो चले फिर चले। लाए दो, लाए दो, लाए दो, लाए दो, लाए दो, लाए
बटने 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 रे हालो 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 पिया चलो 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 पिया वो छुड़ो ना ने दो बाजुला लाए 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 दो अरे लाए दो लाए दो लाए दो अरे लाए दो लाए दो लाए दो मारी सभी ननदरा बिरा तारे भागे ना छोटा नी बुढ़ा लाए दो सारे गामा पा पार्टिसिपेट किया था तो वो नेहा कक्कर मैम एंड जावेद सर हमेश सर सब वो अब मैं बोल रहा हूँ मैं सरताज हूँ वो बोला है मैं ये बोला है मैं सर्वर हूँ तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है तो वो फिर एक एक को समझाना पड़ता है मैं सर्वर हूँ ये सरताज है ऐसे समझाना पड़ता है। वेरी नाइस। तो क्या बताऊँ दंगल में गाना गाया उसके बाद तो पॉपुलैरिटी है ना बिल्कुल बदल गई। कैसे जिंदगी कैसे बदली दंगल के लिए? दंगल में तो गाना आने से पहले तो वैसे हम संगीत के साथ जी रहे थे पर दंगल में आने के लिए बहुत एकदम मतलब एकदम से एक सीढ़ी से सीधा 10वीं सीढ़ी पे आ गए सीधा एकदम। वो हम शुक्रगुजार करते हैं गाजी खान साहब का जो जिन लोगों ने हमें इतने स्टेज पे पहुंचाया। जैसलमेर बाड़मेर के ऑडिशंस हो रहे थे तो मुझे वो सरताज तब से मैं हम बचपन से एज ए फ्रेंड ही थे तो सरताज वगैरह हम साथ में ऑडिशन देने के लिए इधर जैसलमेर आए तो जैसलमेर में हमारा ऑडिशन हुआ पहचान लोग संगीत संस्थान में वहाँ पर हम लोग गए वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे मैं और सरताज भी गए वहाँ पर तो फिर वहाँ पर हम लोगों चार लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। फिर हम लोग दादा के वहाँ मुंबई के प्रीतम दा के वहाँ पर फिर प्रीतम दा ने मुझे सरताज को सिलेक्ट किया। कैसा लगा सेट पर जाकर जब आप बड़े बड़े सब म्यूजिशियंस के साथ थे और फर्स्ट टाइम जब हमने अपने म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फर्स्ट टाइम हम गए थे तो इतना पता नहीं था कि ये मूवी का है क्या है वो नॉलेज नहीं था। एंड फर्स्ट टाइम गए यू नो दैट ईयरफोन्स लगाते हैं वो भी हमें कंफ्यूजन ऐसे नहीं दादा ये नहीं लगाना है दादा ये नहीं फिर भी हमें वो गाना था अपने हरियाणवी वो गाना हरियाणवी लैंग्वेज में था और हम राजस्थानी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था बट कोई नहीं हमने आधा घंटा में पूरा गाना सुलझा दिया था। तो ये जो गाना है ये है हानिकारक बापू। हाँ। आपके पिताजी तो आपके उस्ताद रहे कभी आप लोग की जिंदगी में एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मतलब बापू जी बड़े हानिकारक है परेशान करते बहुत हुआ है बहुत हुआ है अभी भी है। तो सिखाते हुए बचपन में कुछ कोई किस्सा? हाँ सिखाते हुए भी खूब डांटा है मेरे को खूब पीटा है थोड़ा एक दो स्वर अगर उधर उधर चला जाए उसके लिए भी कभी चांटा लगा देते कभी क्या कर देते तो स्टडी के मामले में भी खूब पीटा है मेरे को और ऐसे सिखाते हुए भी खूब पीटा है। पीटने से ज़्यादा बेइज्जती कर देते थे वो बहुत पीटते तो कोई नहीं मतलब किसी के सामने बैठे होते हैं सब लोग चलो आप गाओ तो हम आते थे गाने के लिए फिर एक दो सुर ऊपर नीचे हो जाता था फिर भी सबके सामने बेइज्जती फिर हम मुँह लटका के बैठे रहते बोला आज बेइज्जती हो जाएगी ऐसा करके बहुत हमारे टॉर्चर किया फादर्स ने अभी देखो उनके टॉर्चर के हिसाब से हम आज इस स्टेज पे रात पिया सूर खटपटी ए झटपटी बोलिया बैण ला ला
गुगात पाछी बड़ी बारी बरस सुवारा नैन झिरमर 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 जी मारा बालम जी मारा फिर मर भर सह में बरे बालम जी मारा फिर मर भर सह में ओ फिर मर भरी से फिर मर भरी से में बरे बालम जी मारा साहब जी मारा बालम जी मारा फिर मर फिर मर भर इन दोनों के लिए कितने ही हैशटैग लगा लो कम पड़ेंगे, पर इनकी सक्सेस के पीछे इनकी कल्चर और कम्युनिटी का ना बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि यहाँ की गलियों में, यहाँ के पानी में ही कुछ ऐसी बात है कि बच्चे बोलने से पहले सिर पकड़ना सीख जाते हैं। और सरताज सरवर के लिए ये लाइंस परफेक्ट फिट बैठती है, अ स्मॉल मैन कैन कास्ट अ वेरी बिग शैडो। ऑन दिस नोट इट्स टाइम कि मैं आपसे कहूँ अलविदा। हैशटैग एक्लेक्टिक, हैशटैग यूफोरिक, हैशटैग द जर्नी कंटिन्यू। दिस इज सुदेवता एंड यू आर वॉचिंग रागिस्तान डेजर्ट डायरी।